In previous video, we have discussed ordered pair Cartesian product of two sets and some problems, some related problems. Today, we are going to start relation. First of all, we know what is relation. Relation is a very common word in our day-to-day life. Regularly we use the word relation. किसी से अच्छा relation, खराब relation, दोस्ती का relation, दुश्मनी का relation, even so many relations, father, mother, brother, sister, मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, etc. तो यहाँ पर हमें समझना है कि कुछ उसी तरह की बात यहाँ भी करेंगे. बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है. थोड़ा सा पढ़ना है 11 में है और फिर थोड़ा 12 में पढ़ना है. 12 के सिलेबस में भी ये रिलेशन है. तो अभी हम पहले रिलेशन समझते हैं. रिलेशन होता क्या है? हमने यहाँ स्टार्ट किया, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है. आप समझते हैं नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक एक एलिमेंट दोनों में हो. तो एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. तो ए क्रॉस बी क्या है? वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. तो ए क्रॉस बी का एनी सबसेट, उसको हमने आर नाम दिया है. जनरली रिलेशन को आर से लिखते हैं, कैपिटल आर. तो एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. इसे डिनोट करते हैं आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ऐसे पढ़ते हैं शॉर्ट में, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ऐसे लिखते हैं इसको, आर डॉट डॉट ए एरो का निशान बी, जिसको कि मैथमेटिकली हमने फिर अगले सेंटेंस में लिखा है कि दैट इज ए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. दिस विल इंप्लाय आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इन रिटर्न दिस इंप्लाय ऑल्सो. आप समझ सकते हैं ये सिंपल है कि अगर ए से बी में हम समझते हैं रिलेशन क्या है, तो जस्ट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन हो जाएगा ए से बी में. और बात इसमें देखेंगे, बट एक रिजल्ट पहले देख लें कि अगर सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस डिफाइंड क्या हो रहा है. टोटल ए से बी में कितना डिफरेंट रिलेशंस वी कैन डिफाइन. तो समझ सकते हैं रिलेशन, अभी हमने समझा रिलेशन क्या है, तो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का. ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन हो जाएगा ए से बी में. तो ए से बी में टोटल कितना रिलेशन होगा ये जानने के लिए हमें ये अगर समझ में आ जाए कि ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स कितना होगा, बिकॉज इच सबसेट विल बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. देयरफॉर यहां पर लिखा है नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. ए से बी में डिफाइंड जो होगा टोटल कितना रिलेशन होगा, टू टू द पावर पी क्यू. इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया, आप थोड़ा इसको ब्रेक करके समझें रिलेशन क्या होगा. तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स, सबसेट के समय एक रिजल्ट आपको बताया कि किसी सेट का कार्डिनल नंबर अगर n है तो उसके टोटल सबसेट्स की संख्या 2 टू द पावर n हो जाता है. नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 टू इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंक्लूडिंग phi. phi को अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो 2 टू द पावर n में एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, phi को बाहर करना पड़ेगा. तो यहां पर हमें किसका सबसेट निकालना है, तो ए क्रॉस बी का. तो ये 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होगा, जिसका सबसेट उसका एलिमेंट 2 टू द पावर के फॉर्म में रखेंगे. और ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होता है ये पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं. ए में अगर पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट होता है. देयरफॉर टोटल रिलेशंस कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू. बट इसमें एक रिलेशन क्या रहेगा, फाई भी रहेगा एक रिलेशन, क्योंकि जहां सबसेट की बात आएगी, पिछले थ्योरी के समय आपको बताए थे कि जहां भी सबसेट हम काउंट कर रहे होंगे किसी सेट का, तो फाई तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा, उसको किसी पैमाने किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं. फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट. फाई को अगर कहें तो एक रिलेशन लेना पड़ेगा, तो रिलेशन सबसेट होता है. फाई तो हमेशा ये यूनिवर्सल सबसेट है हर एक सेट का, तो फाई को भी एक रिलेशन के रूप में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
इस फाइव को हम लोग वाइड रिलेशन बोलते हैं, इसलिए यहां टू की पावर पी क्यू लिखे हैं, ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग वाइड रिलेशन फाइव, यानी फाइव को इसमें इंक्लूड करते हुए, यानी फाइव को भी हमने एक रिलेशन के रूप में काउंट किया है, तब ये रिजल्ट है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशंस, तो जाहिर है टू टू द पावर पी क्यू में माइनस वन कर दीजिए, तो नॉन वाइड रिलेशन टू टू द पावर पी क्यू माइनस वन हो जाएगा, ये नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस हो गया। फिर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इक्वल्स 1 2 3 एंड बी इक्वल्स 4 5, छोटा सा सेट लेते हैं। अभी हम एक आर वन लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या क्या आएगा, ए क्रॉस बी को हम एग्जीबिट यहां नहीं कर रहे हैं, उसके हर एक ऑर्डर को एग्जीबिट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां पर अगर अभी हम लिखे 1 और 4 और इसे क्लोज कर दें, वेरी सिंपली वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज दिस ऑर्डर पेयर 1 4 विल लाई इन ए क्रॉस बी, बिकॉज 1 इज इन ए एंड 4 इज इन बी, और ए क्रॉस बी में क्या होता है, सारा ऑर्डर पेयर इस तरह का होता है, फर्स्ट प्लेस पर ए की बात, सेकंड प्लेस पर बी की बात, तो जाहिर है ये एक सबसेट है से बी में, मींस ये एक रिलेशन है। आर टू इक्वल्स मान लीजिए 1 4 लिखते हैं, 1 5 लिखते हैं, ये भी एक सबसेट है, 1 4 समझ रहे हैं, 1 4 आएगा ये ऑर्डर पेयर और 1 5 ये ऑर्डर पेयर समटाइम्स आएगा ये, और सबसेट में क्या होगा, एक क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट ले लेंगे इसमें, तो हमने कुछ को ले लिया इसमें 1 एलिमेंट लिया, इसमें 2 लिया, एक्चुअली दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 6 एलिमेंट्स होगा, इसमें से 1 को लिया, इसमें से 2 एलिमेंट्स को हमने लिया है। फिर मान लीजिए 1 5 2 4 3 4, जाहिर है ये भी सबसेट है, R4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, मतलब इसे आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि हमने पूरे पूरे ए क्रॉस बी की बात कर दी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, सारा का सारा ए क्रॉस बी लिए, आप समझ सकते हैं ए क्रॉस बी का सबसे बड़ा साइज का सबसेट ये होगा, सबसे बड़ा साइज का, तो ये भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। फिर एक सबसे छोटा साइज का 5 ले लेते हैं, जाहिर है बार बार समझना लोग, ये तो हमेशा सबसेट होगा ही, तो ये सारा का सारा रिलेशन है ए से बी में कह सकते हैं, बिकॉज ऑल द 5 आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें ये सबसे स्मॉल साइज का रिलेशन, मतलब इसका साइज 0 साइज है, कुछ एलिमेंट इसमें कोई एक भी ऑर्डर पेयर है ही नहीं, और ये सबसे बड़ा साइज का ए क्रॉस बी पूरा का पूरा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसका नाम देते हैं, जैसा कि पहले ही आपको ये बता दी है, अभी ये वाइड रिलेशन कहलाता है, जो सबसे छोटा साइज का है यानी 5, और इसे हम नाम देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। आप समझ सकते हैं किसी की दुनिया होती है, हर किसी की अपनी दुनिया होती है, ये आप जरा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं, यूनिवर्सल सेट में जैसे मैंने बताया था कि हर एक सेट का एक दुनिया होता है, उससे बाहर नहीं देखेगा वो, उसी के अंदर रहेगा वो। तो फिलहाल जो हम ए से बी में रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया इसका तो यही है, इससे बाहर तो नहीं जा सकता, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वाइड सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन हो गया और ये वाइड रिलेशन हो गया। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आप समझ सकते हैं कि क्या ये सिर्फ 5 रिलेशन ही होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू 2 to the power 3 into 2, यानी 6, 2 to the power
सिक्स, फोर एट सिक्सटीन, थर्टी टू, सिक्सटी फोर, यानी ए से बी में 64 रिलेशंस डिफाइन होगा और आउट ऑफ दो 64 वी हैव रिटेन ओनली 5. आप समझ सकते हैं 59 मोर रिलेशंस कैन बी रिटेन. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस. अब इसमें रिलेशन को प्रेजेंट करने का जो वे होता है उसे समझेंगे. एक वे तो रोस्टर फॉर्म हुआ, जैसे भी हमने एग्जांपल में जो भी लिखा सारा का सारा रोस्टर फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म मींस क्या, जो जो ऑर्डर्ड पेयर है सब को हमने रख दिया, कॉमा कॉमा देके अलग करके रख दिया, ये एक वे हो गया. फिर एक वे होता है एरो डायग्राम से, या पहले सेट बिल्डर फॉर्म देख लीजिए. सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो इसमें रिलेशन आर को लिखते हैं तो कुछ भी यहां, चूंकि इसका हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, एक क्रॉस बी का सबसेट है, या जो सेट से जो सेट में है उस सेट का क्रॉस उसके साथ उसका सबसेट है. तो आर ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और यहां पर द रूल ऑफ द रूल ऑफ, या इसको ऐसे लिखते हैं रूल विच रिलेट्स ए टू बी. जाहिर है ऑर्डर पे ए बी है तो ए बिलोंग कर रहा होगा ए से और बी बिलोंग कर रहा होगा बी से. अभी हम इसी एग्जांपल को कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, ए से बी में रिलेशन है. तो फर्स्ट प्लेस ए का एलिमेंट, सेकंड प्लेस बी का एलिमेंट, और यहां लैंग्वेज, क्योंकि अभी हम कोई पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि ये जो रूल है उसको ये एसोसिएट करेगा कि क्या किस कौन किस से रिलेटेड होगा. जैसे कि अभी हम इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सेम इसी सेट के संदर्भ में बात कर रहे हैं. लेट आर इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी. मैं रूल समझा रहा हूं आपको कि लैंग्वेज में यहां पर लिख देंगे जिस रूल से ए बी से रिलेट होता है ना, जैसे रिलेट ही हो रहा है ना, एग्जांपल में हमने 1 4 लिए थे, तो 1 रिलेट 4 से हो रहा है. तो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, अगर नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड है कि ए ए में ही होगा, और बी बिलोंग्स टू बी एंड यहां पर कह रहा है मान लें ए प्लस टू इक्वल्स बी. कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस सोच के लिख दिए. ये एक रिलेशन है, इसको कौन फॉर्म में कहेंगे आप, सेट बिल्डर फॉर्म में. लैंग्वेज में लिखा हुआ है दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन एलिमेंट किसे एसोसिएट किया हुआ है, ये बाइफर्केट करके नहीं लिखा है, लेकिन जो रूल इसने बताया है उस रूल से इसका कौन सा एलिमेंट उसके किस एलिमेंट से रिलेट होगा, एसोसिएट होगा या नहीं होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं ना. जैसे हम समझना चाहें कि वन इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएट होगा या नहीं होगा, हम देखेंगे. अगर ए के जगह पर 1 पुट करेंगे हम तो 2 + 1 = 3 आएगा. अगर इधर कोई 3 है तो रिलेट होगा, बट 3 तो नहीं है. यानी ए को अगर हम 1 रखते हैं तो इसमें 2 ऐड करने के बाद जो चाहिए जिससे ये रिलेट हो पाता वो भी इसमें नहीं है. मतलब ए का सॉरी 1 का कोई नहीं मिलेगा एसोसिएटेड एलिमेंट इन दिस. फिर 2 को देखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 + 2 = 4 होता है, यानी ए भी रिलेटेड हो जाएगा अगर ए में 2 ऐड करें और ये बी के इक्वल दे दें. आप देख सकते हैं 2 + 2 = 4 है, 4 है इसमें. इसका मतलब इसका 2 रिलेट हो जाएगा किससे, 4 से. सिमिलरली 3 पुट करते हैं, 3 + 2 क्या होगा, 5. 5 भी बी में है ना, ये भी हो जाएगा. मतलब इसी R को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या देखा, 1 किसी से नहीं हो पाएगा, 2 हो पाएगा 4 से,
और 3 हो पाएगा किससे? 5 से। बस ये कौन फॉर्म हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन में और भी देखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि रिलेशन को लिखने का जो वे होगा वो या तो सेट बिल्डर फॉर्म या अभी समझे रोस्टर फॉर्म, या सेट बिल्डर हो गया रोस्टर हो गया, ये तो पहले से भी समझ रहे हम लोग। फिर एक होता है एरो डायग्राम फॉर्म, वेन डायग्राम भी कह सकते हैं इसको, एरो डायग्राम। ये थोड़ा सा ज्यादा विजुअल होता है और ज्यादा अंडरस्टैंड करने में हमें सुविधा होती है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे इस रिलेशन की बात करें, 1, 2, 3 है, इसमें 4, 5 हमने कहा था, इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। अगर इसे हम एरो डायग्राम से करेंगे तो ये 2 का 4 से ऐसे 2, 4 कर दिए। रिलेशन का नाम क्या है? आर, यहां पर आर लिख दिए। ए से बी में रिलेशन आर है और किसको कैसे रिलेट कर रहा है? तो 2 को 4 से और 3 को 5 से, बाकी किसी को किसी से नहीं। तो ये ज्यादा अपीलिंग है, तुरंत हम देख लेते हैं 2, 4 से, 3, 5 से और कोई किसी से नहीं है। तो ये एरो डायग्राम फॉर्म हुआ, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म यही है, कुछ है ही नहीं इसमें, सेट लिखना है कौन किससे, देख के एरो का निशान दे देना है। एरो का निशान टूवर्ड्स ए टू बी, अगर ए से बी में रिलेशन है तो। अगर बी से ए में होता तो बी को इधर लिखते, ए को उधर लिखते, एरो का निशान ऐसे करते बी से ए की तरफ, ठीक है। ये दो फॉर्म हुआ और थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं जो लास्ट में मैंने लिखा है। एक फॉर्म और कहलाता है जिसका ज्यादा मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़ना है, बट हायर मैथमेटिक्स में एक ब्रांच मैथमेटिक्स का हो जाता है, लैटिस कहलाता है वो। तो एक फॉर्म होता है लैटिस फॉर्म। जैसे ऑर्डर्ड पेयर की बात आपको समझाए थे ना कि डायग्राम में उसको टू डायमेंशनल प्लेन में जैसे पॉइंट लोकेट करते हैं, वैसे कार्डिशियन प्रोडक्ट को हम लोग देखे थे ना कि ग्राफिकली भी इसे देख सकते हैं, ए की बातों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी की बातों को वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो समथिंग दिस टाइप लैटिस फॉर्म में क्या होता है, तो हम क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट प्लेन में प्लॉट करते हैं। जैसे ए में यहां क्या है, 1, 2, 3, मान लीजिए ये 1, 2, 3 है। बी में क्या है, 4, 5। हम चाहे इसी स्केल को मेंटेन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमें रिलेशन आर डिनोट करना है, रिलेशन आर के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं हम। लेट इस 2, 4, 2 यहां है, 1, 2, 3, 4 यहां है, 2 और 4 ये हो गया 2, 4। फिर क्या है, 3, 5, 3 यहां है, 5 कहां है, 4 यहां था, जस्ट एक यूनिट यहां पर, ये पॉइंट हो गया 3, 5। बस और तो कुछ है नहीं इसमें, और होता तो और बनाते, क्लियर है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या वे हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम फॉर्म, सब दिमाग में बैठा। ये क्या क्या है, सेट बिल्डर जो लैंग्वेज से लिखते हैं हम लोग, शुरू में सेट लिखते आ रहे हैं, यहां रिलेशन के लिए सेट बिल्डर फॉर्म होगा वही। रोस्टर फॉर्म, एक एक ऑर्डर पेयर को एग्जीबिट करना। डायग्राम फॉर्म, दोनों सेट का कुछ बना देना, इंक्लोजर स्ट्रक्चर, और कौन एलिमेंट किससे आर रिलेटेड है रिलेशन आर के द्वारा, उसको एरो से रिलेट कर देना, एसोसिएट कर देना। लैटिस फॉर्म मतलब ग्राफिकली, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म समझना है, थोड़ा इसको देखते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले मैं मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, एरो डायग्राम फॉर्म में हम लिख रहे हैं, थोड़ा सुविधा होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लगातार जो लिख रहा हूं मैं नेचुरल नंबर, इसमें कोई ज्यादा हमारा सोच नहीं है, जस्ट सुविधा के लिए लगातार लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, √2, 5, 7, 9, -3, 3/7, कुछ भी, 0, 3, -2, 5, 9, 19, 2 को हम 3 से एसोसिएट कर दिए,
3 को 5 से कर दिए, 6 को भी 5 से कर दिए, 4 को 9 से एसोसिएट कर दिए, 6 को 19 से भी कर दिए। बस मान लीजिए रिलेशन आर ये है, इट मींस कि अगर इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आर ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वेयर आर इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर 2 3, ऑर्डर्ड पेयर 3 5, ऑर्डर्ड पेयर 4 9, ऑर्डर्ड पेयर 6 5, ऑर्डर्ड पेयर 6 19। इसमें हमें समझना क्या है, सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के जिस एलिमेंट से एसोसिएट होता है, जिस भी एलिमेंट से एसोसिएट होता है रिलेशन आर के द्वारा, उसे लिखने की परिपाटी, लिखने का जो कन्वेंशन है वो इस तरह से होता है। जैसे आप देखिए 2 रिलेटेड है 3 से, कौन रिलेशन से, आर से, तो हम लिखेंगे 2 इज आर रिलेटेड विथ 3, 2 इज आर रिलेटेड विथ या 2 3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर 2 3 बिलोंग्स टू आर। आप समझ सकते हैं बात को, ऑर्डर्ड पेयर 2 3 आर में है, जाहिर है कि ऑर्डर्ड पेयर जब आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखिएगा तो रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर 2 3 मिलेगा ही, है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसको देखते हुए जो डायग्राम में लिखा है हमने, 3 इज आर रिलेटेड विथ क्या 5, या ordered pair 3 5 belongs to R, और एक आध लिखते हैं 6 इज आर रिलेटेड विथ 5, 6 इज आर रिलेटेड विथ 19, और करके इधर आप लिख सकते हैं ordered pair 6 5 belongs to R, ordered pair 6 19 belongs to R, etc. ठीक है। अगर अभी हम लिखें 2 R 0, तो क्या ये सही है, ये रिलेशन आर 2 को 0 से रिलेट कर रहा है क्या, जाहिर नहीं कर रहा है। तो इस चीज को लिखने का जो तरीका है, हल्का सा एक क्रॉस यहां दे देते हैं, जाहिर है आप शुरू से मैथमेटिक्स में जानते हैं कन्वेंशनली, इफ एनीथिंग इज डन लाइक दिस इट मींस दिस रिप्रेजेंट्स निगेशन ऑफ दैट, यानी आर क्या था तो ये कहता था 2 R रिलेटेड है 0 से, क्रॉस कर दिए तो ये क्या हो गया, 2 इज नॉट आर रिलेटेड विथ 0। इसको हम क्या समझेंगे, तो 2 इज नॉट आर रिलेटेड विथ, या 2 लिख रहे हैं तो 2 ही लिखते हैं, रिलेटेड टू 0। सिमिलरली हम देख सकते हैं 1 1 तो किसी से नहीं है, कुछ भी यहां लिखे हैं 1 5 लिखे हैं, तो यहां पर क्या होगा, आर ऐसे क्रॉस एटसेट्रा। ये तो बातें हुई कि कौन किससे रिलेटेड है या नहीं है, उसको मैथमेटिकली लिखने का वे ये हुआ। फिर कुछ टर्म इसमें डिफाइन करते हैं कि अगर ये रिलेशन है तो इसका डोमेन डिफाइन होता है, फिर कोडोमेन डिफाइन होता है, और फिर रेंज डिफाइन होता है। डोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, ये तीनों ये सेट होता है। डोमेन हम किसको कहते हैं, ध्यान से इस चीज को बिठाएंगे, फंक्शन में भी हमारा डोमेन कोडोमेन रेंज वहां भी रहेगा और इसी टाइप से रहेगा। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, तो अगर हम कहते हैं कि रिलेशन आर ए से बी में डिफाइन है तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का सबसेट है, मतलब सम एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स विथ बी। तो जो जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ए का एलिमेंट, वो सारा डोमेन का सेट कंस्टिट्यूट करता है। ये डोमेन की बात हुई, रिलेशन अगर ए से बी में है तो ए का जो जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है फंक्शन में, भागीदारी है उसकी, वो डोमेन का सेट कहलाएगा। आप देख सकते हैं इस एरो डायग्राम से जो हमने बनाया है, इसमें 2 3 4 6 इतना चीज भाग ले रहा है, तो इट मींस इसका डोमेन हो गया 2 3 4 एंड 6, 2 3 4 6, सही है ना।
ये डोमेन हो गया। को डोमेन में कुछ नहीं सोचना है, को डोमेन ऑलवेज बी होता है, यानी रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइन है तो को डोमेन पूरा का पूरा बी लेते हैं। रेंज क्या होता है, तो जैसे डोमेन में जो जो भाग लेता है उसको देखते हैं, वैसे रेंज में को डोमेन में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन है इसमें जो पार्टिसिपेट हो रहा है, वो रेंज का सेट कंस्टिट्यूट करता है। समझ सकते हैं, प्रेजेंट एग्जांपल के लिए हमारा वो है 3, 5, 9, 19, तो ये सेट हो गया 3, 5, 9, 19। क्लियर है, इसको दिमाग में इमेज बनाइए कुछ इस तरह से, सेट ए का जो जो भाग लेगा डोमेन, उधर बी पूरा का पूरा को डोमेन, बी का जो जो भाग लेगा वो रेंज का सेट बनाएगा। ठीक है, ये कुछ टर्म हुआ है रिलेशन का। मैं समझता हूं इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं, दिमाग में बिठा लेना है इसको। अगले क्लास में मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स होगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स में करने का प्रयास करूंगा, सो दैट कि आप बुक जो बनाएंगे तो उसमें थोड़ी बात समझ में आए आपको, कैसे सोचेंगे क्या करेंगे। अभी हम जरा सब छोटी सी बात और रह जाती है उसको हम लोग देख ही लेते हैं, फिर हम लोग इनवर्स रिलेशन समझते हैं। इनवर्स रिलेशन वैसे ही फंक्शन में देखेंगे, इनवर्स फंक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई चीज अगर किसी चीज से रिलेटेड है, मान लें कि एक्स वाई से रिलेटेड है किसी रिश्ते से, तो इन सम वे वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा ना, और जरूरी नहीं कि एक्स का रिलेशन जो वाई कहलाएगा वाई भी एक्स का वही कहलाएगा। ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल समझते हैं कि इफ वी क्लेम दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई तो देन व्हाट विल बी वाई ऑफ एक्स, तो जाहिर एक्स अगर फादर है तो वाई या तो सन होगा, इसका रिवर्स सन होगा, एक्स को वाई फादर कहेगा तो वाई एक्स को सन कहेगा या डॉटर कहेगा, प्रोवाइडेड कि हम दो ही सेक्स की बात करें, ऐसे तो ट्रांसजेंडर भी होता है ना हिजड़ा, तो अगर वैसा नहीं है तो सन होगा या डॉटर होगा। अगर हमें पता है कि एक्स वाई बोथ आर मेल, बोथ आर मेल पर्सन एंड एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो देन वाई विल बी सन ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई मेल है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो देन वाई विल ऑल्सो ब्रदर ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब जो इनवर्स रिलेशन है, तो सिर्फ जिस तरह से भी आप इसको समझ रहे हैं सेम काम यहां पर करते हैं। यहां पर देखिए इनवर्स को डिफाइन करते हैं हम लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड एज, इसे आर टू द पावर माइनस वन जैसा लिखते हैं, ध्यान देंगे पढ़ते हैं इसे आर इनवर्स, आर टू द पावर माइनस वन इसे नहीं पढ़ेंगे, रेड एज आर इनवर्स, डिनोटेड एज आर इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड एज क्या होता है, तो आर इनवर्स जो है आप देखेंगे जस्ट आर को देखकर इसे लिख रहे हैं, आर ए से बी में है तो पहली बात आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए में होगा, और किस तरह से होगा, तो सच दैट फॉर ऑल ए आर रिलेटेड विथ बी विल इंप्लाय एंड इन रिटर्न इंप्लाय बी इज आर इनवर्स रिलेटेड टू ए। ये तरीका है लिखने का, जैसे भी आप एग्जांपल में देखते थे टू को शायद हमने फोर से किया था, तो टू इज आर रिलेटेड विथ फोर, तो वी विल से 4 इज आर इनवर्स रिलेटेड टू 2 या विथ 2,
अब देखिए ए से बी में रिलेशन होता है आर, तो आर इनवर्स बी से ए में होगा। सिर्फ ये काफी नहीं है, बी से ए में तो बहुत सारा रिलेशन हो सकता है, बट हमें आर इनवर्स सबको नहीं कर सकते उसे। आर इनवर्स कौन कहलाएगा? तो जस्ट आर का उल्टा करेगा। आर अगर एक्स को वाई से करेगा तो आर इनवर्स वाई को एक्स से करेगा। आर अगर एम को पी से करेगा तो आर इनवर्स पी को एम से करेगा। आर अगर टू को फाइव से नहीं करेगा तो आर इनवर्स भी फाइव को टू से नहीं करेगा। क्लियर है? इसको भी हम पिक्टोरियली दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए है बी है, वही सब कुछ ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर, चलिए एलिमेंट ऑफ फाइव भी ले लिए। यहां पर माइनस टू थ्री जीरो फोर नाइन, वन को थ्री से रिलेट कर देते हैं, थ्री को जीरो से, थ्री को नाइन से भी, फाइव को फोर से। ठीक है, इफ रिलेशन आर इज लाइक दिस, तो अगर हम आर इनवर्स की बात करेंगे तो इस बार डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? बी। समझ रहे हैं? इसका डोमेन ए है, इसका सॉरी बी, मैंने पूरा बी नहीं, जो भाग लेगा, मैंने डोमेन का सेट बी में रहेगा, इसका डोमेन का सेट ए में है, कोडोमेन बी है, इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा? इसका कोडोमेन ए हो जाएगा। रेंज का सेट इसका बी के अंदर होगा, इसके रेंज का सेट ए के अंदर होगा। तो समझ सकते हैं, इधर हम माइनस टू थ्री जीरो फोर नाइन, यहां वन टू फाइव है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, बस रिवर्स वे में कर देना है, थ्री को वन से, थ्री को वन से एसोसिएट कर दिए एरो का निशान से, और जीरो को थ्री से, जीरो को थ्री से देखते जाइए, जीरो को थ्री से, फोर को फाइव से, फोर को फाइव से, एंड नाइन को अगेन थ्री से, नाइन को अगेन थ्री से। आप समझ सकते हैं, इफ आर इज दिस देन आर इनवर्स इज दिस। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आर का जो डोमेन होगा एग्जैक्टली वही रेंज होगा ना आर इनवर्स का, क्योंकि यही तो इंडिकेटर उधर जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि आर इनवर्स में वन है तो उसमें गायब रहेगा, बस यही तो उल्टा आएगा। तो हम क्लेम कर सकते हैं कि जो डोमेन होगा आर का, डोमेन ऑफ आर विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस डोमेन ऑफ आर इक्वल्स रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स विल बी रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म का, तो रोस्टर फॉर्म में अगर कोई रिलेशन लिखा हुआ है तो उस रिलेशन का इनवर्स लिखना है, तो सिंपल है कि रोस्टर फॉर्म में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है इनवर्स में भी तो वही सब ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, सिर्फ पोजीशन उसका क्या होगा, म्यूचुअली ट्रांसफर कर देंगे। इसमें टू थ्री है, इसमें थ्री टू कर देंगे, माइनस वन फाइव है, फाइव वन कर देंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स करके लिख देंगे। क्लियर है? तो इसे हम इनवर्स रिलेशन कहेंगे। तो रिलेशन में जो इलेवेंथ क्लास में है बेसिक यही है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे भी, और अगले क्लास में हम सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे इसका, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे फंक्शन की तरफ, रिलेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, ओके।